नमस्कार हाँ नमस्कार 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 अशोक भाई। नमस्कार हाँ नमस्कार सर। आज आज के इस कार्यक्रम में जुड़े तमाम श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही इस कार्यक्रम के लिए हमारे अतिथि डॉक्टर रविशंकर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप जुड़े हैं, जैसा कि आप तमाम श्रोतागण को पता है कि आज का विषय कहानीकार उपन्यासकार संजीव के रचना संसार पर डॉक्टर रविशंकर सिंह से भेंट वार्ता की। मैं पुनः डॉक्टर रविशंकर सिंह का आभार प्रकट करता हूं कि आप आज के इस कार्यक्रम के लिए अपनी सहमति दी और बेशकीमती समय आपने निकाला। जैसा कि श्रोता गण जानते हैं, संजीव हिंदी साहित्य का एक बड़ा नाम, एक यशस्वी कथाकार और उपन्यासकार जिन्होंने लगभग 12 उपन्यास और 200 से अधिक कहानियां लिखी और आज भी उम्र के 70 वर्ष पार करते हुए भी वो निरंतर लेखनरत है। एक ऐसे लेखक जिन्होंने श्रम साध्य कार्य करते हुए साहित्य को, खासकर हिंदी साहित्य को, गंभीर रचनाओं से विस्तृत पाठक वर्ग का निर्माण किया है, ऐसे कथाकार को लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर रविशंकर सिंह, जो कहीं न कहीं संजीव से जुड़े हैं, उनकी रचनाओं से और उनके जीवन से, तो सर आपसे मेरा पहला सवाल है कि संजीव हिंदी साहित्य, विशेषकर कहानी और उपन्यास विधा के यशस्वी कथाकार हैं। देखिए, आप उनके जीवन और उनके रचनाओं से रूबरू हैं काफी करीब से, तो हम यह जानना चाहते हैं अपने तमाम श्रोतागण की तरफ से कि उनसे उनसे जुड़ी यादों को आप श्रोतागण से शेयर करें, ताकि उनके जीवन के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को हमारे सामने ला सकें और हम उनसे रूबरू हो सकें। डॉक्टर रविशंकर बहुत सिंह, बहुत 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 धन्यवाद अशोक जी। और सबसे पहले जन सरोकार मंच टोंक के प्रति आभार कि उन लोगों ने साहित्य पर और खासकर मेरे प्रिय कथाकार संजीव पर संवाद करने का अवसर हम लोगों को दिया। और आपने कुछ सवाल संजीव के साहित्य और जीवन से संबंधित हम मेरे सामने रखे हैं, तो मेरे सामने सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि मैं संजीव के बारे में कहाँ से बात शुरू करूं। कथाकार संजीव मेरे आत्मीय, मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु हैं, मेरे मित्र हैं। स्वयं तो उन्होंने कहा था तुलसी के एक पद को याद करते हुए कि तो ही मोहि नाते अनेक जो भावे सो मान। तो मित्र अशोक जी, लगभग 1986 से उनका संग साथ रहा है और परिचय तो अपराध के जमाने, अपराध 1980 में छपकर कहानी आई थी और एक धमाकेदार क्या कहते हैं आगमन हुआ था हिंदी कथा साहित्य में उनका इस कहानी के साथ। हालांकि उनकी पहली कहानी यह नहीं है, पहली कहानी तो उनकी है किस्ता, एक बीमा कंपनी की एजेंसी बीमा का, जो की 76 पे यह एजेंसी। कहानी आई थी और उसके बाद अपराध कहानी आती है। और उसके बाद एक और कहानी आई थी उन दिनों, ऑपरेशन जोनाकी, जो कहानी पढ़कर हम लोग भागलपुर में उन दिनों पढ़ रहे थे, ऑनर्स के छात्र थे उन दिनों 80 के दशक में। तो उस कहानी का सामूहिक पाठ हम लोगों ने किया था और हम लोग खूब रोए उस कहानी को पढ़कर। यानी एक तरह के नवीन का प्रयोग उन्होंने कहानी के क्षेत्र में किया था, कथा जगत में
हालांकि थैंक यू मिस्टर गेलाट, काशीनाथ सिंह की कहानी आई थी, लेकिन नक्सलवाड़ी मूवमेंट को लेकर के इतनी सशक्त कहानियां हिंदी साहित्य में संजीव के पहले नहीं देखी जाती है। कहानियां लिखी जा रही, लेकिन एक भिन्न स्वाद और भिन्न क्या कहते हैं टेम्परामेंट को लेकर के संजीव आते हैं, और उस संघर्ष को, उसकी विचारधारा को साहित्य में जस्टिफाई करने का कलात्मक ढंग से जो श्रेय है वह संजीव को दिया जा सकता है। और तब से अब तक लगातार, मतलब आप 80 से इधर 40 वर्षों से लगातार लेखन कर रहे हैं, 14 उपन्यास तो उनके प्रकाशित हो चुके हैं मित्र, और कुछ अभी प्रकाशित होने बाकी हैं, कुछ प्रकाशनाधीन है, कहानियां लगभग 200 हैं। तो अगर आप उनकी कहानियों का, इधर मैंने एक संकलन का प्रकाशन भी किया है, रामलीला तथा हाँ अन्य बिल्कुल, कहानियां, जी हाँ जी हाँ, इसमें 12 कहानियां हैं। इन 12 कहानियों को लेकर के एक मैंने भूमिका भी तैयार की है, नई किताब से, ये प्रकाशन से ये किताब आई है, और इन 12 कहानियों की भूमिकाएं हैं इसमें, मैं उस पर विशद चर्चा कालांतर में करूंगा। अभी आपने उनसे आत्मीयता की बात की, तो आज दोपहर में भी काफी बात हुई उनसे, और मुझे बहुत संकोच हो रहा था उनको बताते हुए कि जो सवाल आपसे पूछे जाने चाहिए थे, है ना, आधिकारिक ढंग से वही बोल पाते अपनी रचनाओं के बारे में। तब मैं एक अदना सा पाठक हूं उनका, और जहां तक कोशिश मेरी रहेगी कि आपके सवालों का मैं जवाब आपको दे सकूं, और जो श्रोता वर्ग हम लोगों से जुड़े हैं उनको उनकी रचनाओं का आस्वाद करा सकूं, तो यह मेरी बड़ी सफलता होगी, है ना। जी हाँ सर, धन्यवाद। चूंकि आप स्वयं एक कहानीकार हैं सर, आपकी कहानियाँ भी राष्ट्रीय पत्रिकाओं में, विभिन्न राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अब तक प्रकाशित हो चुकी है, और संजीव एक बड़ा नाम है। कहीं न कहीं अपनी रचनाओं में उन्होंने समाज के ऐसे प्रतिबिंब को दर्शाया है कि प्रेमचंद के बाद, प्रेमचंदोत्तर कहानियों में कहीं न कहीं संजीव एक नाम है। और जैसा कि आपने अभी चर्चा किया कि आपने उनकी कहानियों पर एक संग्रह, 12 कहानियों का एक संग्रह लाया, जिसे पढ़ने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो अब मैं इसी संदर्भ में आपसे अगला सवाल करने जा रहा हूँ कि चूंकि आप स्वयं एक कहानीकार हैं और संजीव की कहानियों पर आपने संपादन किया कहानियों का, तो आप किस रूप में उन कहानियों को देखते हैं जिसका चुनाव आपने 200 में से 12 कहानियों का चुनाव, जिस भावभूमि पर आपने किया, जिस साहित्यिक धरातल पर आपने उतारने का प्रयत्न किया, जी हाँ उसका आधार क्या रहा है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए अशोक जी, आपकी जानकारी के लिए भी मैं बता दूं और श्रोताओं के लिए भी मैं बता दे रहा हूं कि संजीव की कहानियों पर, कथा साहित्य पर, मुझसे पहले दिवंगत हो चुके डॉक्टर सुभाष कुमार, उनके सुपरविजन में एक महिला ने एमफिल किया था, तो पहला शोध उनकी कहानियों पर मेरा है। मेरे बाद तो आज 150-200 250 छात्रों ने, कितने छात्रों को तो स्वयं मैंने सामग्री उपलब्ध कराई, क्योंकि उन दिनों संजीव पर काम करने के लिए बहुत कुछ उपलब्ध नहीं था, सामग्री उपलब्ध नहीं थी, और कठिनाई के समय में मैंने उन पर काम किया है। और कथाकार स्वयं संजीव का कहना है कि मुझ पर काम नहीं होता तो मुझसे वे ज्यादा सहयोग कर पाते, तो क्योंकि उन्हीं पर मेरा काम है, तो यह मेरा सौभाग्य भी है एक तरह से, और कि मैंने संजीव पर काम किया है, और एक तरह से उनसे कोई, मतलब क्या कह रहे हैं, सामग्री अथवा सहयोग
नहीं मिला है ऐसा ही कहना चाहिए, क्योंकि इस मायने में बहुत संकोची है कथाकार से स्वयं जी हाँ सर, आत्मविज्ञापन और अपने बारे में बोलने से बचने की कोशिश करते रहते हैं। तो जी उनसे जी पूछना भी मैंने मुनासिब नहीं समझा। चर्चा पत्रिका उन दिनों राजस्थान से ही छपती थी, उस पत्रिका की कुछ कतरनें थी मेरे पास और कुछ पुरानी पत्रिकाएं थी और कुछ समीक्षाएं थी, उनको पढ़ करके जो कुछ मेरी दृष्टि बनी। हाँ, डॉक्टर रवि भूषण ने पहल पत्रिका में एक पुस्तिका के रूप में उनकी कहानियों पर काफी विशद विश्लेषण किया था, उससे पढ़ जी करके मुझे दृष्टि मिली। खैर, आपका सवाल था या मैंने जानकारी के लिए बताया कि पहला शोध कार्य मेरा ही है, यह जी इसका हाँ सर, गौरव बिल्कुल हाँ है मुझे। जी और हाँ जी। अभी आपने सवाल पूछा कि इन 12 कहानियों के चयन का आधार क्या है ना, तो जी हाँ पहली बात तो यह कि आपको भी पता है कि अगर प्रेमचंद सिलेबस में पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ दिए गए होते तो शायद पाठकों ने उन्हें भी भुला दिया है ना। बहुत सारे ये विडम्बना जी, ये एक तो विडंबना ही है हमारे बिल्कुल यहाँ बिल्कुल हिंदी कथा साहित्य की, कम से कम कि जब तक सिलेबस में कोई कथाकार या कोई रचनाकार नहीं आ जाता है तो विस्तृत पाठक वर्ग से उनकी रचनाएं जो है अछूती रह जाती। लेकिन ऐसा संजीव के साथ नहीं हुआ, सौभाग्यवश उनकी रचनाएं CBSE के कोर्स से लेकर के विभिन्न यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों में लगी हुई। जी हाँ और सिलेबस में लगने का कारण यह है कि निस्संदेह वे कहानियां महत्वपूर्ण थी। अब असुविधा जी छात्रों को यह हो रही थी कि छात्र परेशान रहते थे कि उन कहानियों को उपलब्ध कहाँ से किया जाए। आपने भी यह महसूस किया होगा कि संजीव की रचनाएं प्राय बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाती, खास करके उनके जी उपन्यास वगैरह आप बुक ढूंढना चाहें स्टॉलों पर जल्दी, कम है। जी बुक स्टॉलों पर भी अनुपलब्ध रहती है, तो छात्रों को बड़ी मुसीबत होती थी। तो जो कहानियां की विभिन्न विश्वविद्यालयों में कॉलेजों में पाठ्यक्रम में लगी हुई है, उन कहानियों को छात्रों की सुविधा के लिए मैंने संग्रहित किया 12 कहानियों, 12 कहानियां नहीं जी 10 कहानियां, और 2 कहानियां उनकी नई ली मैंने, खुशी है तेतरी दादी और रामलीला, जो जी ताजा हाँ सर, रामलीला आजकल में प्रकाशित हुई थी। और झूठी है तेतरी दादी भी इधर हाल में ही प्रकाशित हुई थी। तीन दो जी हाँ नई कहानियों को मैंने रखा और 10 कहानियां जो सिलेबस में लगी हुई है। अब केवल सिलेबस में लगी हुई है यही विशेषताएं नहीं है उनकी, वास्तव में अच्छी कहानियों में से इनको स्थान दिया जा सकता है। अगर चुनिंदा उनकी 30 कहानियां निकाली जाए तो उन कहानियों में जी से उनकी जो कहानियां है सागर सीमांत आरोहण ब्लैक होल घर चलो दुलारी बाई अपराध प्रेत मुक्ति सागर सीमांत दुनिया की सबसे हसीन औरत, ये सारी कहानियां बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं। हम लोग उस पर विशेष रूप से बात करेंगे, उसके सौंदर्य पर, उसकी विशेषताओं पर। और तो मुझे लगता है कि मैं आपको 2 आधार बता चुका हूं कि एक तो अव्वल कहानियों में से ये 10 कहानियां चुनिंदा कहानियां है, और दूसरी बात कि ये छात्रोपयोगी किताब है, छात्रों को ध्यान में रख करके मैंने अनुमति ली थी कथाकार संजीव से, और इसकी एक विस्तृत जी भूमिका मैंने तैयार कर दी है छात्रों को इस सुविधा के लिए। उसमें कुछ संकेत भी हैं कि ताकि उनको कहानियों को खोलने में, कहानियों को समझने में सुविधा हो सके। तो छात्र हित सर्वोपरि था मेरी दृष्टि में और यही मेरे चयन का आधार। जी हाँ धन्यवाद सर। कहीं न कहीं रामलीला और तथा अन्य कहानियां जो कोर्सों में लगे हुए हैं उससे जी हाँ, छात्रों का भला होगा, ये बड़ी जी अच्छी हाँ, बात आपने कही। और संजीव के साथ मेरे साक्षात्कार में मैंने उनकी बेबाकी को काफी नजदीक से देखा है सर, जैसा कि आपने अभी कही है कि उनसे जब आपकी बातें होती है
वो बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। और उन्होंने एक जगह कहा था, उनसे जब मेरी बात हो रही थी, कि एक रचनाकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनका पाठक वर्ग, जी जब हाँ तक पाठक वर्ग रचनाकार को स्वीकार करता है, रचनाकार जीवित होता है। और हम कहीं न कहीं संजीव के कहानियों में, उपन्यासों में ऐसा महसूस करते हैं कि वह पात्रों के भीतर उतरते हैं और स्वयं को कहीं न कहीं कथानक स्वयं को जीते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आपसे मेरा अगला सवाल है कि संजीव की कहानियों में निचले पायदान पर, समाज के निचले पायदान पर खड़े, हास्य पर खड़े लोग, मजदूर, बहुत अच्छा किसान, जी हाँ जी हाँ आमजन, उनकी जी पीड़ाएं हाँ हैं। और कहीं ना जी कहीं हाँ संजीव उन अपनी कहानियों में ऐसे ऐसे वर्गों को महत्व देते हैं, स्थान देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं समाज का एक सही प्रतिबिंब हमारे सामने प्रस्तुत हो। जी हाँ तो मेरा अगला सवाल इससे जुड़ा हुआ है सर, कि ये चीजें कहीं ना कहीं प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों में भी देखा जाता है। वहां भी बहुत मजदूर अच्छा किसान है, स्त्रियों की बहुत पीड़ा अच्छा है और दबे बहुत कुचले लोगों का है। तो जी हाँ जी हाँ आप संजीव की कहानियों को, उपन्यासों को, प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों के बाद समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए कितना पाते हैं? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छी बात आपने उठाई है अशोक जी। पहली बात तो यह बताऊं कि कथाकार संजीव स्वयं कहते हैं ये हमारे साथ सबसे बड़ा संजोग यह हुआ है कि उनके काका उनको गांव से उठाकर कुल्फी ले आए थे 5वीं 6ठी 3री कक्षा में, और अपने जीवन को याद करते हुए स्वयं वे लिखते हैं कि किस तरह से नाक बहती रहती थी, मक्खियां भिनभिनाया करती थी, और लेट लेकर के गुरु जी पीपल के नीचे चबूतरे पर कैसे उनको बिठाया करते थे। अगर काका यहाँ नहीं ले आते तो गांव में वे हरवाही चरवाही कर रहे होते या किसी की भैंस चरा रहे होते। तो संजीव उस वर्ग से आते हैं जहाँ की भारत की बहुसंख्य जनता जिस जीवन को व्यतीत कर रही है उस वर्ग से संजीव आते। तो अपने वर्ग की पीड़ा को पहचानने में संजीव को तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, उनका कहा जाए तो भोगा हुआ यथार्थ, देखा हुआ यथार्थ, अनुभूत यथार्थ जो है उनकी रचनाओं में प्रस्तुत हुआ है। और रही बात कि प्रेमचंद के कथा साहित्य में भी दलित है, दमित है और शोषित है। हाँ, प्रेमचंद के जमाने में आप देखेंगे कि सामंतवादी प्रथा थी, जो आज सामंतवादी प्रवृत्ति रह गई है ना, उसके अवशेष रह गए हैं, उसका खंडहर ढह ढन मना रहा है, और उसकी भराई हुई ईंटों को आप संजीव के कथा साहित्य में देख सकते हैं ना। उनकी कई कहानियां हैं जिसमें ढहते हुए सामंतवाद को उन्होंने दर्शाया है। हाँ, प्रेमचंद के जमाने में यह एक मौजूद सवाल था, सामंतवाद, और पूंजीवाद का आगमन हो चुका था, दस्तक दे रहा था प्रगतिवाद, साम्यवाद भी उस दौर में, और आजादी नहीं थी। तो आजादी भी एक उस समय की समस्या थी, लेकिन समस्याएं आज बदली हैं। आपको एक चीज मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि हर जमाने का अपना एक यथार्थ होता है और यथार्थ गतिशील है, परिवर्तनशील। तो प्रेमचंद ने अपने जमाने के यथार्थ को देखा, कथाकार संजीव अपने जमाने के यथार्थ को देख रहे हैं, और वे भी शोषितों वंचितों के पक्षधर थे। कथाकार संजीव भी शोषितों वंचितों के पक्षधर हैं। इनके साहित्य में भी मुख्य मुद्दा आप देखेंगे जो हमारे समाज का सबसे घृणित, सबसे घिनौना जो एक प्रथा है, घिनौनी प्रथा, वह है जातिवाद की प्रथा। इस प्रथा ने हमारे देश को कितना पीछे
ले जाने का कार्य किया है, और अभी तक इसके विकास के मार्ग में यह सबसे बड़ा बाधक बना हुआ है जातिवाद। और जातिवाद के अलावा छुआछूत आदि भेष बदल करके, रूप बदल करके आज भी किस तरह से विद्यमान है, और उसके बाद बाजारवाद। प्रेमचंद के जमाने में बाजारवाद इतना हावी नहीं था, इस रूप में नहीं था। उस समय तक कहा जा सकता है कि बाजार आदमी के लिए हुआ करता था, आजकल आदमी अब बाजार के लिए उपयोग किया जा रहा है, आदमी बाजार का हिस्सा बन चुका है। अब प्रेमचंद के जमाने में आप देखते हैं कि हामिद जो है अपने जरूरत की चीज खरीद करके एक चिमटा पूंजीवाद को ललकारता है, लेकिन आज के दौर में पूंजीवाद की गोद में बैठे हुए हम लोग उस तरह से, तिवारी जी का एक तोता कहानी आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी कि जाल में फंसे हुए हैं सारे तोते, और गा रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग ने उसमें फंसना नहीं, असारे तोते जाल में फंसे हुए थे। तो हम लोग भी पूंजीवाद के जाल में फंसे हुए हैं और सारे लोग गीत गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। आज मल्टीनेशनल कंपनियां जो आ रही हैं, बाहर से तो आ रही हैं, हमारे घर में भी, देश में भी चार पांच बड़े घराने ऐसे हैं जिसके हाथों में 60% 60% जो है धन उनके हाथों में संचित है, और हम लोग उनके हाथों की कठपुतलियां हैं, चाहे सत्ता हो चाहे बाजार हो, उसका वर्चस्व सर्वत्र दिखाई दे रहा है। तो इस पूंजीवाद से, बाजारवाद से मुठभेड़ करता हुआ, जातिवाद से मुठभेड़ करता हुआ संजीव, और शोषितों पीड़ितों वंचितों के पक्ष में लड़ता हुआ संजीव, अंधविश्वास और रूढ़ियों से मुठभेड़ करता हुआ संजीव को आप उनके उपन्यासों में देख सकते हैं, उनकी कहानियों में देख सकते हैं। और गरीबी का ऐसा मारक चित्रण, आप उनकी एक महामारी कहानी का उल्लेख मैं करना चाहूंगा कि महामारी क्या होती है और गरीबी क्या होती है। साहब आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक गरीबी की मारी हुई भूखी बच्ची है और बासी दाल और रोटी उसकी माँ ने उसको खाने के लिए दिया है, नाक बच्ची की बह रही है और एक बास आती है उस दाल से ऐसी कि उल्टी हो जाती है दाल की और रोटी की बच्ची के मुंह से, और माँ उस उल्टी वाले भोजन को ही समेट करके फिर कटोरे में रख देती हैं और कहती है कि अगली बार खाने के लिए मांगेगी तो मैं कहाँ से क्या ला कर दूंगी। ये गरीबी है गांव की, उस गरीबी का ऐसा वर्णन संजीव जीवंत वर्णन करते हैं कि भारत का एक वह तस्वीर जो आप देखते हैं कि दिनकर ने जो दिखाया था कि रेशमी शहर के बाहर आज भी पूरा हिंदुस्तान भूखा और नंगा है, जहां बच्चों को दूध नहीं मिलता है और माँ को लज्जा ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिलता है, उस लोक का दर्शन अपने साहित्य में करवाते हैं। और संजीव का उद्देश्य ही है, मैंने भी उनसे साक्षात्कार कई लिए हैं और अपने आत्मकथन में भी, चर्चा पत्रिका में उन्होंने जो राजस्थान से ही प्रकाशित हुआ करती थी उन दिनों, उन्होंने लिखा है कि साहित्य को मैं सोदेश्य मानता हूँ। प्रेमचंद भी साहित्य को सोदेश्य ही मानते थे, प्रेमचंद भी कहते थे रुलाने और सुनाने वाला साहित्य बहुत हो चुका, अब जगाने वाला साहित्य लिखा जाना चाहिए। संजीव कथाकार संजीव भी कहते हैं कि भाई मैं यथार्थ को जमीन पर उतार कर रहूंगा, इसके लिए यथार्थ की धोली भले ही गंदी हो तो हो, यानी स्वदेश के लेखन में विश्वास करते हैं कथाकार संजीव। और संजीव अपने जमाने को, यथार्थ को जिस कलात्मकता से और पुरजोर ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं कि निसंकोच मैं कह सकता हूं कि प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले मूर्धन्य कथाकार में से एक है, नाम लिया जाए तो वह कथाकार संजीव का लिया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, कहीं ना कहीं वो अग्रणी है और अभी भी 70 वर्ष पार होने के बाद भी वो निरंतर लिख रहे हैं,
ये उनकी जिजीविषा को भी दर्शाता है और कहीं ना कहीं लेखन की अपनी नैतिक जिम्मेवारी को भी दर्शाता है। वो महसूस करते हैं कि अभी भी वो पाठकों को बहुत कुछ दे सकते हैं। बिल्कुल सर, एक बार मैं उनसे बात करते हुए उन्होंने मुझसे कहा था कि श्याम बेनेगल ने जो उनकी कहानी पर जिलानी बानो के साथ बेल्डन अब्बा बनाई थी, जी यदि हाँ जी मैं उसका स्क्रिप्ट लिखा होता तो वो और बेहतर होता, जो फिल्म वो बनी उससे बेहतर होता यदि मैं उसकी स्क्रिप्ट लिखा होता। तो कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास संजीव के यहाँ है, और वो अपनी रचनाओं के साथ, पात्रों जी के साथ किस कदर जुड़ते हैं, उसके साथ न्याय करते हैं। हम उनकी किसी भी कहानी को अगर हम देखते हैं तो ये हमें महसूस होता है। और आपने अभी काफी गंभीर साहित्य की चर्चा की कि वे अपने पात्रों के साथ, गरीब से गरीब पात्रों के साथ उस कदर जुड़े हैं कि जैसे उनका भोगा हुआ यथार्थ हो। वाकई सर। और जहां तक आपका यह संग्रह है, उनकी दो कहानियां मुझे ज्यादा छू गया। सबसे पहले तो दुनिया की सबसे हसीन औरत और ज्वार कहानी, वाह। जैसा कि ज्वार कहानी में बदलते जी हुए रिश्तों का एक ताना बाना है कि किस तरह जी हाँ परिस्थितियां जी बदली, एक जी राष्ट्र हाँ का विभाजन हुआ, और अपना धर्म परिवर्तन करके जीवन जीने के लिए कि उनका जीवन बचा रहे, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, हिंदू से मुसलमान धर्म को अपनाया और अपने ही परिजनों को अपना धर्म, अपना नाम बताने से वो या पहचानने से इनकार किया। तो ये एक त्रासदी है कहीं ना कहीं, जो हमारे समय और समाज की के यथार्थ को दर्शाती है। मेरा अगला सवाल आपसे सर है कि संजीव की समग्र रचनाओं का मूल्यांकन अभी बाकी है। डॉक्टर नामवर सिंह ने भी एक जगह लिखे हैं कि संजीव का समग्र मूल्यांकन करना एक बड़ा भारी काम है। तो जी अब हम जैसे उनके पाठक जो संजीव को बेइंतहा प्यार करते हैं, और भी करोड़ों पाठक जो संजीव को चाहते हैं, उनकी कहानियों को पढ़ते हैं, उपन्यासों को पढ़ते हैं और महसूस करते हैं कि हाँ, इसमें कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार परिलक्षित है। तो मेरा अगला सवाल है सर कि क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि संजीव का मूल्यांकन अभी बाकी है? इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? कुछ बातें मैं सुधार कर दूं कि संजीव 73 पूरा कर चुके हैं जी, अपनी उम्र 70 के। पार जी मैंने कहा सर। हाँ हाँ, तो ये 74वां साल उनका चल रहा, हाँ और अनवरत लेखन किए जा रहे हैं। एक कहावत है ना कि पुर्जा पुर्जा कट गिरे तबहु न छाड़े खेत। तो संजीव अपने को बढ़िया योद्धा मानते हैं। जी हाँ, प्रेमचंद के बारे में अमृत राय ने कहा था कि कलम के सिपाही थे, है ना। तो जी और हाँ आपने एक बात कही कि कहीं न कहीं वे मूर्धन्य कथाकार हैं, कहीं न कहीं वाकई वे मूर्धन्य कथाकार हैं वर्तमान दौर में हिंदी कथा साहित्य के। उनके समकालीन और भी लेखक हैं, मैं उदय प्रकाश को नहीं भूल रहा हूँ, जी शिवमूर्ति भाई को नहीं भूल रहा हूँ, या स्वयं प्रकाश को भी नहीं भूल रहा हूँ, गुजर गए। लेकिन जितनी विविधता इनके लेखन में कहानी के प्लॉट के हिसाब से, उपन्यास की विषय वस्तु के हिसाब से, जितना वैविध्य और जितना बड़ा फलक कथाकार संजीव के यहाँ है, इस तरह का प्रयोग अन्यत्र मैं तो नहीं देखता हूं। लिखा है लोगों ने, लेकिन संजीव ने जितना कुछ लिख दिया है, वे तो अभी अपने आप को पर्याप्त लेखन नहीं, अपना नहीं मान रहे हैं। और यही कारण है कि आज भी कमर ऐंठ के जाती है, औंठे में दर्द है, रीढ़ में दर्द है, बावजूद इसके वे अनवरत लेखन कर रहे हैं। और कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि समस्याएं इतनी ज्यादा हैं, और जिस उस समस्याओं को जिस रूप में और जैसे मैं कहना चाहता हूं अभी कह नहीं पाया हूं, और अपने लेखन में वह तासीर
वह तेजाबी तासीर उत्पन्न करने के लिए भी अनवरत लेखन किए जा रहे हैं। और आपने उनकी कुछ कहानियों की जो चर्चा की कि ज्वार, और एक कहानी का नाम लिया आपने दुनिया की सबसे हसीन औरत, और नामवर सिंह का भी नाम आपने, भाई तो पता नहीं नामवर सिंह ने कहाँ कहा है इसको, भली भांति आप अवगत होंगे, लेकिन आप कथाकार संजीव से स्वयं पूछ लें। और मेरी जानकारी में भी यही है कि आलोचकों के लिए प्रिय नहीं रहे के बीच कथाकार संजीव, अगर संजीव साहित्य में जिंदा हैं तो पाठकों ने उनको, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र को सर आंखों पर चढ़ा रखा था सरकार की तरफ, सत्ता की तरफ से, शिव प्रसाद सिंह को जब सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी तो जनता ने भारतेंदु को उपाधि दी थी भारतेंदु की, उसी तरह से पाठकों ने या जनता ने संजीव को साहित्य के केंद्र में रखा है। आलोचकों के लिए ये अप्रिय ही रहे और सौतेला व्यवहार ही इनके साथ रहा आलोचकों का। और मैंने तो पाखी में उनका इंटरव्यू पढ़ा है नामवर सिंह का, उनसे पूछा गया जब संजीव के बारे में, तो उन्होंने बड़े गोल मटोल ढंग से जवाब दिया कि कुछ बात है संजीव में जिसके कारण मैं अभी कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, तब इतना ही कहूंगा कि संजीव को आरोहण जैसी कुछ कहानियां लिखनी चाहिए, बस यह कोई टिप्पणी नहीं है। अन्य टीवी वगैरह में भी मैंने नामवर सिंह के कथन को सुना था, बड़े कथा आलोचक है, मैं बहुत, मैं क्या हिंदी कथा साहित्य कभी आलोचना साहित्य उनको बुला नहीं पाएगा, है ना, जो रामविलास शर्मा है, अजय प्रसाद द्विवेदी हैं, उनके बाद अगर बड़े आलोचक हैं तो नामवर सिंह है, सम्मान उनका नाम लिया जाना चाहिए, लेकिन उपेक्षा के शिकार रहे संजीव, और संजीव ने आलोचकों की भी परवाह नहीं। आलोचकों की कुछ बातें टिप्पणियां मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। आपने बहुत अच्छी कहानी उनकी है, एक दुनिया की सबसे हसीन औरत की चर्चा की, उस पर मैं बात करना चाहूंगा कि एक सब्जी बेचने वाली महिला है जिसके साथ पीटी और सिपाही दोनों दुर्व्यवहार करते हैं, जबकि उसके पास बकायदा टिकट है, और उसी के बोगी में सीट पर बैठी भी कुछ महिलाएं हैं जिनके पास टिकट नहीं है, और 10-10 रुपए का नोट दे करके वे लोग सफर कर रही, और इसके पास टिकट है बावजूद इसके वह जमीन में बैठी हुई है, उसके साथ बदसलूकी की जा रही है, सिपाही छेड़ रहा है, उसकी मूलियां निकाल कर खा रहा है, उस पर व्यंग्य कर रहा है, और इतना ही नहीं वह घूस के पैसे जब सिपाही को नहीं दे पाता ही है तो सिपाही उसकी टोकरी उलट देता है, और उसी कंपार्टमेंट में एक दुबला पतला पिद्दी जैसा नौजवान बैठा है जो आक्रोशित होकर के इस तरह से उस औरत की आंखों में जो आंसू वह देखता है, और शोषितों वंचितों के प्रति जो अन्याय देखता है, इसका प्रतिकार करने के लिए वह खड़ा हो जाता है वह युवक। और वहां संजीव कहते हैं कि दुनिया की सबसे हसीन औरत वही है जो आदमी के पुरुषार्थ को प्रतिकार के लिए, प्रतिरोध करने के लिए एक तरह से प्रेरित कर दिया, वह औरत वास्तव में दुनिया की सबसे हसीन औरत थी। लेकिन आप, मैं नित्यानंद तिवारी का आलोचक है तो मैंने उनकी समीक्षा पढ़ी, उनको कहीं ना कहीं आपत्ति है कि संजीव जो है एकल संघर्ष में विश्वास करते हैं, तो इस तरह से अमिताभ बच्चन जैसे करेक्टर के द्वारा एकाकी आंदोलन के लिए आदमी को प्रेरित करना चाहते हैं, इस तरह से आंदोलन नहीं हो सकता। भाई संजीव आंदोलन की बात नहीं करते, कहानी की मूल संवेदना यह है कि जिसने, प्रेमचंद ने भी कहा था कि अब सौंदर्य का पैमाना बदल दिया जाना चाहिए,
आप निराला के यहाँ से भी देखते हैं, तोड़ती पत्थर औरत के सौंदर्य, हर शाम तन भर बंधा यौवन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका शालिका प्रकार। तो उसके सौंदर्य का जिस तरह से शाम तन भर बंधा यौवन, जिस तरह से उन्होंने उस सौंदर्य का, मजदूरनी के श्रम के सौंदर्य का जो वर्णन किया है, उस तरह से यहाँ एक श्रमिक महिला है वह, और उसके मेहनत कष्ट संघर्ष को और उससे प्रेरणा प्राप्त करने वाले युवक की क्या कहते हैं क्षमता को जिस तरह से उन्होंने उकेरा है, कि वह पाठकों को भी कहीं ना कहीं ऐसी रचनाएं उद्वेलित करती हैं कि इस तरह से हमें भी प्रतिकार और प्रतिरोध, अभी हमारे देश में और समाज में सबसे बड़ी जो जरूरत है प्रतिरोध, कहीं कोई प्रतिरोध नहीं है, आप देख रहे हैं ना, अत्याचार अनाचार का एक बुलडोजर है जो सब कुछ रौंदते हुए आगे बढ़ जाना चाहता है, लग रहा है कि अंबानी अडानी और पूंजीपतियों के कब्जे में पूरा देश को जो है लील लेने के लिए एक बहुत बड़ा भारी मशीन हम लोगों के ऊपर से गुजरता जा रहा है, कहीं प्रतिकार नहीं, कहीं प्रतिरोध नहीं। यह प्रतिरोध का साहित्य गढ़ते हैं संजीव, आप इस संवेदना को दुनिया की सबसे हसीन औरत को जब पढ़ेंगे तो आप उस प्रतिरोध से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। और ज्वार कहानी एक दूसरे धरातल की कहानी है जिसमें कि सांप्रदायिक स्थिति को दिखाया गया है कि सांप्रदायिकता के कारण किस तरह से धर्म अंतरित की गई है एक महिला, और उस पर इतने जुल्म हुए हैं कि वह अपनी पहचान तक को मिटा देना चाहती है, उसकी बहन उससे मिलने के लिए गई है तो वह इनकार कर देती है कि नहीं मैं वो हूं नहीं, बावजूद इसके जो बहन है वह अड़ी रह जाती है और उसके साथ स्नान करने के लिए जाती है गंगा में, गंगा है या वो कोई नदी है गांव के बगल में, और दोनों डुबकी लगा करके पानी के अंदर गले से गले मिल जाते हैं तो दोनों के तार जुड़ जाते हैं, संवेदना जो है लोक से छिपाए जा सकती है, लेकिन जब लोक की नजर से लोग ओझल हो जाता है तो संवेदनाएं किस तरह से तार की भांति एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, दोनों आत्मीयता का अनुभव करती है ना, और एक प्रेम का ज्वार आता है जिसमें कि दोनों बह जाती है, तो दोनों की सांप्रदायिकता और मन का मैल विसार सारा कुछ खुल जाता है। बहुत ही उच्च कोटि की कहानी है यह, और इस कहानी के बारे में एक टिप्पणी विजयदान देथा ने किया था कि मेरी सारी कहानियां संजीव की एक ज्वार कहानी पर निछावर, और यह बड़ी अच्छी बात है कि इस कहानी को लोगों ने समझा, महत्व दिया, इसको विभिन्न विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में लगाया है, आपने भी इसकी चर्चा की है, खैर और उनके बारे में और भी बातें करेंगे, फिलहाल मुझे लगता है कि मैंने जी उन दो कहानियों को खोलने की कोशिश की है। हाँ, जी हाँ सर, आपने विस्तार दिया है अपनी कहानियों को, और कहीं ना कहीं चूंकि ये कोर्स में है तो पाठकों और छात्रों का भला होगा सर। आप बार बार अपनी बातों में, वक्तव्य में दोहरा रहे हैं सर कि कहीं ना कहीं विचार पर बाजार का हमला है और जी बदस्तूर जारी है। आज जी जैसे हम इसकी झलक किसान आंदोलन में भी देख रहे हैं कि हमारी जी जी राजनीतिक व्यवस्था किस कदर मजदूर और किसानों के साथ व्यवहार करती है। जैसा हम चाहेंगे सर कि आप आरोहण और सागर सीमांत की थोड़ी चर्चा कर दें, शायद पाठकों और छात्र छात्राओं का भला होगा जो आपसे आवास अनुमति जल लेकर उपलब्ध है। के और थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा आपको वसु जी, कि बिल्कुल आपने सर, कहा था कि इनके यहाँ बाजार आया है, अगर आप इनकी कहानी पढ़ें ब्लैक होल तो उसमें देखेंगे बाजारवाद का प्रभाव, और उन्हीं जी की कहानी है ये दोनों, एक ही धरातल की दो अलग भिन्न कहानी, वो है आपकी नस्ल एक कहानी। दोनों कहानियों में मैं दो लाइन में इसको निपटा देता हूँ, जी नस्ल और ब्लैक होल।
ब्लैक होल का जो कथानायक है उसकी माँ मिडिल क्लास की महिला है और अपने बच्चे को गियर अप करती रहती हैं और बेहतर है ना अंक लाने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। और ऐसा होता है कि वह लड़का जब परीक्षा में बैठता है तो इसने तनाव और दबाव में है, जो आज के बच्चे इस तनाव और दबाव को बेहतर ढंग से महसूस रहे हैं। आज समाज में सरेआम आप ऐसी घटनाएं सुनते होंगे कि रिजल्ट खराब होने की दुश्चिंता में, जबकि रिजल्ट खराब नहीं हुआ था बच्चे का, बाद में रिजल्ट पब्लिश हुआ, लेकिन दुश्चिंता में उसने फांसी लगा ली, कूद करके आत्महत्या कर ली। तो जो भी हो, वो लड़का आत्महत्या कर लेता है और उसकी माँ है कि उसको इस बाजार में रेस कोर्स का घोड़ा बना करके शामिल कर देती। और दूसरी कहानी है कि उसका कहानी का नायक कथानायक इस बाजारवाद के मैदान में इस तर कदर इतना आगे बढ़ जाता है, इतना आगे बढ़ जाता है कि उसके माता पिता की कामना है कि बेटा अब रिटर्न बैक। पहले जो माँ बाप अपने बच्चे को गियर अप करना चाह रहे थे, अब बच्चा इतना आगे बढ़ गया है कि उसे वक्त नहीं है माँ के लिए, वक्त नहीं है पिता के लिए। हाँ, वह जी पिता को कहता है कि पापा आपको क्या चाहिए, फाउंटेन चाहिए और उसमें क्या माउंटेन भी चाहिए और क्या चाहिए, बाग बगीचे चाहिए और क्या जंगल भी चाहिए और बगीचा भी चाहिए, सब कुछ हो जाएगा, इतने पैसे हैं उसके पास, बस नहीं है तो समय नहीं है माँ के पिता के लिए, और माँ और पिता चाहते हैं कि बेटा लौट आए। तो यह बाजारवाद किस तरह से हमारी पीढ़ी को हमसे छीन रहा है, इस दर्द को आप उनकी कहानियों में देखेंगे और देख सकते हैं। यह संजीव के जमाने का यथार्थ है जो उनकी रचनाओं में खुलकर आया है। और रही बात आप सागर सीमांत की और एक कहानी आरोहण की आपने बात, अब बिल्कुल देखिए कथाकार संजीव मेरे बहुत ही प्रिय कथाकार भी हैं और मेरे मैंने कहा था कि मेरे अभिभावक भी हैं। तो कल जो कुछ साहित्य में आना है उसकी परिचर्चा तो हम लोग आपस में पहले कर लेते हैं। आपने कहा कि आप भी कहानी लिखते हैं, अरे भाई कहते हैं ना कि कीट भी पुष्प के संग महादेव पर चढ़ जाया करता है। तो उनकी सोहबत में रहने जी का प्रभाव यह है कि उनकी भाषा, उनकी शैली, उनके विचार ने मुझे इतना प्रभावित किया। हालांकि अभी तक वो खुश नहीं है, उनको लगता है कि मैं आपको अंधविश्वास से अभी तक ऊपर नहीं उठा पाया हूं, है ना। तो जी गुरु है, चाहते हैं कि जी एक शिल्पांचल में आप देखेंगे एक संजीव स्कूल है, मैं ही नहीं उनके प्रिय लोग आप में भी बिल्कुल हैं, उन प्रियतम लोगों में से, प्रिय लोगों में से कथाकार बिल्कुल शिव कुमार यादव हैं, निर्मल लवेंदु हैं, मनोज शुक्ला हैं, दिनेश कुमार हैं, संजय सुमति हैं। तो इस अंचल के लोगों ने उनको काफी क्या कहते हैं उनके सम्मान एक से स्कूल अपना सम्मान अपना तो दिया ही है, लेकिन वह सम्मान पाने लायक उन्होंने बनाया, क्योंकि जिस पद को या कुर्सी को छोड़ कर गए उस कुर्सी के लिए दूसरा कोई व्यक्ति अभी तक उम्मीदवारी पेश नहीं कर सका है ना। एक तरह से गुरु थे जी अपने स्कूल के, तो जी हाँ हम लोग कह सकते हैं संजीव स्कूल के छात्र हैं हम लोग। जी हाँ तो सर उस दौर में यह कहानी जब लिखी जा रही थी 96 के आसपास की बात है, और उसकी जो अंतर कथा है मैं अंतर कथा नहीं बताऊंगा क्योंकि संजीव खुलकर सबको नहीं बताते हैं, तो हर कहानी की अंतर कथा होती है, हर कहानी का कहीं ना कहीं से मॉडल लिया जाता है और चीजों को फिर बाहर से जोड़ तोड़ करके कहानी का रूप दे दिया जाता है। लेकिन संकेत मैं जी दे देना चाहूंगा बगैर नाम लिए कि एक आयोजन में, हालांकि अगर संजीव कथाकार सुन रहे होंगे तो बाद में मुझे डांट भी पड़ेगी, एक महिला से मिले बिल्कुल जो महिला रो रही थी। एक आयोजन था गांव में, तो जी महिला
की आंखों में आंसू देख करके इन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप क्यों रो रही? उस महिला ने अपनी अंतर कथा बताई अपने पुरुष की, कि उन्होंने सिलाई कढ़ाई करके अपने पति को, शहर का भी नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत कुछ खोलना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, शहर में पढ़ने के लिए भेजा। उनके पति ने एमए किया, पीएचडी की और प्रोफेसरी की और बड़े आदमी हो गए, और वहां शहर में उन्होंने एक दूसरी शादी की कर ली, तो कर ली। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि शहर में उन्हें केवल बेटियां ही बेटियां हुई, और पहली पत्नी से गांव में एक लड़का था उस उनके पति को, उस महिला के पति को। तो वह पति जो है अपने उस बेटे को लेने के लिए आया था कि यह बेटा मुझे दे दो क्योंकि मुझे वारिस चाहिए। अब एक लौटा सहारा, एक बेटा बचा था पति की याद में उस महिला के पास, उसको भी मांगने के लिए उसका पति आ जाता है, और दुखद स्थिति यह है कि वह लड़का भी तैयार हो जाता, यानी पुरुष पुरुष ही निकला। और यहाँ जो उसका विश्वास टूटता है, दरकता है इस कदर कि वह सहन नहीं कर पाती है इस पीड़ा की, और इसलिए वह जार जार रो रही। इसी कथानक को इन्होंने लिया और अपनी कहानी सागर सीमांत में जब प्रस्तुत किया तो नसीबन बन जाती है वह कथानायिका, और करीम बन जाता है वह पति, और इतना प्यार करीम और नसीबन में था कि पशु पक्षी तक एक दूसरे से चर्चा किया करते थे कि तुम मुझे करीम की तरह प्यार नहीं करते हो, तो लोग करीम की तरह प्यार नहीं करते हो, तो वो लोग कहते थे कि तुम नसीबन की तरह खूबसूरत बनो तो करीम की तरह तुम्हें प्यार किया जाए। तो इस तरह से दोनों के प्यार की चर्चा थी जनाब। लेकिन वही करीम किसी तरह से सागर में मछुआरे के साथ जाता है मछली के लिए पकड़ने के लिए, और उसकी नाव जो है भटक जाती है तूफान में और चला जाता है डायक बांग्लादेश, और चला जाता है तो लौटता नहीं। और उसके बाद जो उस महिला पर बीतती है सो बीतती है जनाब, जो बूढ़ा है दूरे जो अभिभावक के उम्र का है वह तक उसे छेड़ता है। उसका जो मछली बाजार का जो मालिक है उसकी भी नजर उसकी जवानी पर है, स्कूल के जो मास्टर है वह उसके बच्चे को छेड़ता है कि तुम्हारी माँ जो है तो और माँ तो एक झिनुकेर मतन, झिनुक बोलते हैं सीपी को बंगला में, बंगला भाषा और पृष्ठभूमि को लेकर के कहानी बुनी गई है, बंगला गीत भी है, और आश्चर्यजनक बात है कि उन गीतों की रचना भी संजीव ने की अपने, इनके कथा साहित्य की विशेषता ही है यह कि बहुत सारे छंद इन्होंने बनाए हैं, बहुत सारे गीत इन्होंने बनाए हैं, बहुत सारी कविताएं इनके आप रचनाओं में देखेंगे जो स्वयं इन्होंने रचे हैं। यकीन नहीं आता है कि इन्होंने स्वयं रचे होंगे, खोज कहानी में पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे छंद हैं ये 10 लाख 20 जो है जोड़ करके किस तरह से वो उन छंदों को, जिस तरह से प्राचीन एक परंपरा थी कथा परंपरा हमारे, उस परंपरा में जाकर के, क्योंकि शैली की तो अनेक है इनके पास, इतनी शैलियां कथा जगत में प्रचलित हैं, सबका प्रयोग इन्होंने लगभग किया है। तो वह पुरुष जो है बांग्लादेश से अंततः आता है, जबकि वो नसीबन जो है भूल चुकी है कि उसका पति ही शायद मर चुका है, इतने दिनों के बाद वह अब नहीं लौटेगा। तो एक रात दस्तक होती है इसके दरवाजे पर और देखता है कि इसका पति आया है, और पति बोलता है कि ऐसा है कि मैं चला गया था बांग्लादेश और वहां जाकर के लोगों ने मुझे बचाया, एक व्यापारी ने अपने यहाँ मुझे रखा और अपना दामाद बना लिया, उसको कारोबार को मैंने संभाल लिया, लेकिन वहां मुझे बेटियां ही बेटियां हुई, अब मुझे वारिस चाहिए तो मैं बेटे के लिए आया हूँ। और जब यह सुनती है नसीबन और यह जानती है कि उसका बेटा भी जाने के लिए तैयार है, तो वह दोनों बाप बेटे को कहती है कि ऐसा करो कि सवेरा होने से पहले दोनों यहां से वापस लौट जाओ, है ना, ताकि लोगों को यह पता नहीं चले तुम्हारी बेवफाई का, लोग
कि नजर में तुम मरे हुए हो, मरे हुए ही रहो, और दोनों को रुखसत करती है। और लोक कथा शिल्प में फिर ले आते हैं कथाकार कहानी को, कि वह दोनों पुरुष जो निर्ममता पूर्वक एक महिला के प्यार को तोड़ करके जा रहे हैं, वे बहुत दूर आगे नहीं जा पाते, वे दोनों नारियल के पेड़ में तब्दील हो जाते। और आज भी उनके उस नारियल के पानी जो है खारा है, लोग कहते हैं कि वह नसीबन की आंखों के आंसू हैं उस नारियल में, जिसके कारण उसका पानी आज भी खारा है, और वहां जो पत्थर है उसमें जो गढ़े बन गए हैं उसमें नसीबन के आंसू आज भी देखे जा सकते हैं। और फिर सुंदरबन का इलाका, वहां के जीव जंतु, उसकी पृष्ठभूमि, किस तरह से केकड़े आते हैं बालू में और कछुए आते हैं अंडा दे करके फिर पानी में लौटते हैं, इस सब का इतना सुंदर स्वाभाविक वर्णन करते हैं। और जब यह वर्णन संजीव की एक मात्र लाइन में अगर विशेषता कही जाए तमाम रचनाओं की, कि उनका साहित्य जो है शोध परक साहित्य, शोध तो हर कोई करता है अपने ढंग से, लेकिन संजीव के शोध में अंतर यह है कि एक सुविधा विहीन व्यक्ति है सबसे पहली बात, कि किराए का पैसा जैसे तैसे जोड़ करके भूखे प्यासे चना चबेना खा करके उस इलाके को जाते हैं, देखते हैं। सुंदरबन इलाके में जब वो गए थे, नोट्स लेकर आ रहे थे और वहां का वर्णन सुना रहे थे, उन सारे चीजों को उस कहानी में डाला, इतनी मार्मिक कहानी बन गई, जो कि एक पुरुषवादी जो और वर्चस्ववादी जो दृष्टि है नारी के प्रति, और नारी किस तरह से छली जाती है पुरुष सत्ता के सामने, इस पीड़ा को उन्होंने इस कहानी में दर्शाया है। आरोहण कहानी की चर्चा की उनकी, आपने नामवर सिंह की बात कही थी, एक जगह केवल मैंने मेरी नजर से गुजरा है वही, कि आरोहण जैसी कहानियां संजीव को लिखनी चाहिए, नामवर सिंह ने कहा था। ठीक है भाई, हाँ, तो नामवर सिंह को भी यह कहानी पसंद आई, बात इतनी सी है। वैसे उन्हीं के भाई हैं काशीनाथ सिंह, बहुत प्यार करते हैं, मैंने काशीनाथ सिंह की चिट्ठी अपने शोध प्रबंध में भी डाली है, इन्होंने लिखा था कि वो आदमी कहाँ चला गया, काशीनाथ सिंह के बारे में, तो काशीनाथ सिंह ने चिट्ठी लिखी थी कि वह आदमी कुल्टी में है, उसे अपने अंदर ढूंढो, तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं काशीनाथ तुम्हें दिखाई देगा, है ना। मिल जाएगा। बहुत प्यार करते थे, हाँ, एक कथाकार, बड़े कथाकार हैं काशीनाथ सिंह, बहुत प्यार करते थे इनको। देखिए बिल्कुल नामवर जी ने खुलकर कभी इनके साहित्य की चर्चा नहीं की, आप यकीन नहीं, आप भी तो स्वयं कथाकार संजीव से कभी संवाद आप करें, करते ही हैं, कर लेंगे। खैर, तो आरोहण कहानी में भी आप देखेंगे उस समय क्या हो रहा था, एक विघटन का दौर था, रूस का साम्यवाद टूट रहा था, चारों ओर पराभव का वातावरण था, निराशाजनक स्थिति एक तरह से व्याप्त हो रही थी। उस अवसाद के दौर में उन्होंने एक पहाड़ी कहानी कथानक को अपने कहानी का विषय बनाया, और उसका जो कथानायक है रूप सिंह, और उसका एक छोटा भाई है रूप सिंह। रूप सिंह छोटे में जी अलग हो जा दूर चला जाता है किसी टूरिस्ट के साथ में, और वह पर्वतारोही बन जाता है, ट्रेंड होकर के आता है। और इधर भूप सिंह की स्थिति यह है कि पहाड़ में स्खलन होते हैं, भूस्खलन होता रहता है, लैंडस्लाइडिंग होती है, तो सब कुछ तहस नहस हो गया है, गांव तहस नहस हो गया है, लोग बाग बिखर गए हैं, अकेला एक भूप सिंह जो है चोटी पर एकांत में पड़ा हुआ है, और सारा कुछ बिछुड़ गया है उस आदमी से। उस अकेलेपन में उसने, उसकी पत्नी भी पहला गुजर गई है, उसने फिर शादी की है, छोटे छोटे बछड़ों को उस ऊंचाई पर पहुंचा करके उनको बड़ा करके बैल बनाया है, वहां उसने खेती शुरू की है, यानी एक तरह से जीवन का सृजन उसने नए ढंग से किया है अपने ढंग। और जिस ऊंचाई पर कि बिना किसी सहायता के वह चढ़ा करता है, वहां पर रूप सिंह अपने एक मित्र के साथ आया है, और काफी टूल्स लेकर के भी चढ़ने में उसको परेशानी हो रही है, उस ट्रेनिंग लेने के बावजूद वह कौशल इन लोगों के पास अभी तक नहीं आ पाया है, जो जिंदगी ने उन लोगों को सहज रूप से सिखा दिया।
इस तरह से जिंदगी की समस्याओं से जूझता हुआ आदमी, उसको बहुत सुंदर प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने एक चील और छोटी चिड़िया की कहानी के माध्यम से संकेत के रूप में जी दिखाने की कोशिश की है कि एक छोटी चिड़िया चील से परेशान होकर के बचने के लिए जब उड़ान भरती रहती है, थक जाती है, हार जाती है, तो वह चील के पीठ पर ही बैठ जाती है और फिर चील उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। नहीं तो बिगाड़ मृत्यु पाती। और विध्वंस से टूटा हुआ भूप सिंह इस कदर परेशान हो गया है कि लगता है कि वह स्वयं मृत्यु की पीठ पर बैठ गया है और मृत्यु अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है और जीवन की अपराजेयता का एक तरह से वह उद्घोष कर रहा है उस पहाड़ी पर से कि जीवन अपराजेय है, समस्याएं व्यक्ति को पराजित नहीं कर सकती है। इस आशावाद को बहुत ही कलात्मक और प्रखर ढंग से प्रस्तुत किया है कथाकार ने। आरोहण कहानी इस मायने में बहुत ही पठनीय कहानी है, रोचक कहानी है और हिंदी की एक महत्वपूर्ण कहानी मानी जाए। प्रेरणा कहीं ना कहीं प्रेरणा है सर। जी जैसा हाँ आपने कहा कि संजीव शिल्पांचल साहित्य की धुरी है, निसंदेह ऐसा। कुछ नामों का उल्लेख आपने छोड़ दिया, अब मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से उन नामों को ले लूं कि उनके अनुज बहुत सारे हैं, उनको चाहने वाले बहुत सारे हैं, उनके पाठक वर्ग संपूर्ण भारतवर्ष में है। शिल्पांचल से कहीं ना कहीं श्रींजय जी, महावीर राजी, गोविंद प्रिय जी और भी बहुत सारे नाम हैं। शिव कुमार यादव जी उनके बहुत सब प्रिय हैं। और कहीं ना कहीं हम लोगों की जब आपस में मिलने जुलने का क्रम चलता है तो ये सारे लोग केंद्र में होते हैं, जो संजीव को पसंद करते हैं, संजीव के अनुज हैं, अनुयायी हैं, शिष्य हैं। कहीं ना कहीं हम सब इन रूपों में भी गौरवान्वित स्वयं को महसूस करते हैं कि संजीव हमारे अभिभावक के तरह हैं, जैसा आप महसूस करते हैं। अब उनके उपन्यासों की ओर थोड़ा सा मुड़ा जाए, अन्यथा बहुत पाठकों को लगेगा कि उनकी कहानियों पर काफी चर्चा अच्छा। हो गई है सर। और जी मैं अपनी बात बताऊं सर, कि जब मैंने सावधान नीचे आग है पढ़ी तो मेरे नजर में दो घटनाएं उभर कर आई। पहला तो फिल्म काला पत्थर का वह दृश्य जो कोयला खदान में लोग फंस जाते हैं, और जैसा कि उपन्यास में चंदनपुर के कोयला खदान की बातें हैं, और दूसरा कि वो टाइटैनिक फिल्म जो मैंने देखी, आप सबने देखी, बहुतों ने देखी, तो वह मृत्यु के बीच खड़े लोगों का जो संकल्प वो उस कहा उपन्यास में दिखाया गया है बहुत ही मार्मिक। कहीं ना कहीं तो ये उपन्यास की गहराई इतनी ज्यादा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि संजीव कहीं न कहीं कोयला खदान के भीतर उतरकर लाइव टेलीकास्ट कर रहे हो। उस उपन्यास को पढ़ते हुए ऐसा महसूस किया जा सकता है। तो कहीं न कहीं ये संजीव की ताकत भी है, उनके लेखन का एक पैमाना भी कहा जा सकता है कि वो कितनी गहराई तक उतरकर वो कथानक को जीते हैं। मैं चाहूंगा सर कि सावधान नीचे आग है पर आपका दृष्टिकोण क्या है? देखिए भाई अशोक जी, पहले मैं उन तमाम लोगों से क्षमा मांग लूं जिनका नाम छूट गया। नाम लेने के बड़े खतरे होते हैं। आप जब नाम ले रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ नाम जुबान पर आ जाएंगे और कुछ नाम छूट जाएंगे, है छूट ना? जाएंगे, छूट जाएंगे। जी हाँ, तो यह स्वाभाविक है। सायास ऐसा नहीं हुआ कि संजीव स्कूल के छात्र ढेर सारे हैं इस अंचल में और जिनको गढ़ने का और साहित्य के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा संजीव से मिली है, निसंदेह। और यह हम लोगों का सौभाग्य है कि संजीव शिल्पांचल में रहे, लेकिन शिल्पांचल की धुरी नहीं कह करके उनको भारतीय कथा साहित्य, हिंदी कथा साहित्य की धुरी कहा जाना बेहतर होगा। हिंदी कथा साहित्य की धुरी है अभी क्या कहते हैं कथाकार संजीव। और आपने प्रेमचंद का
का भी नाम लिया था। तो प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले शीर्षस्थ कथाकारों में से एक है। और उनके 14 उपन्यास में से महत्वपूर्ण उपन्यास एक रहा है सावधान नीचे आग है। और शिल्पांचल में होने के नाते अपने आसपास घट रही घटनाओं का उल्लेख किया जाना उनका धर्म बनता था। हालांकि उसके पहले इस अंचल में उन्होंने ही अपने कई इंटरव्यू में बताया है कि हरे प्रसाद गुप्त आए थे इस अंचल में और उनके साथ और भी कई कथाकार आए थे और उन लोगों ने कोयला पर कुछ लिखना चाहा था। तो इन्होंने बताया था कि वे भी इस पर लिख रहे थे। तो इनका उपहास भी उड़ाया था लोगों ने। उनका साक्षात्कार मैंने लिया है जिसमें कि उन्होंने खुलकर स्वयं अपनी बात कही है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। तो यह जो चासनाला की घटना उन दिनों घटी और मजदूर वहां फंसे हुए थे कई दिनों तक, जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे और कीड़े मकोड़े खा करके जीवन यापन कर रहे थे। तो यह घटनाएं अनवरत यहाँ घटती रही। इस तरह की घटनाएं 87-88 के आसपास भी करीब 26 मजदूर जो है 4-5 दिनों तक जमीन के अंदर छिपे दबे हुए थे और बहुत मशक्कत के बाद 2-3 दिनों के बाद कैप्सूल बना करके उन मजदूरों को जीवंत निकाला गया था। अभी हाल में ही कुलस्तुड़िया कोलेरी के आसपास एक धसान हुआ था जहां 56 मजदूरों को वहां तो बचा लिया गया, यहां 56 मजदूर जो है धरातल में दबे ही रह गए, वो दरअसल जमींदोज हो गए। तो दरअसल संजीव जो है इस अंचल में श्रमरत जो भारत के कोने कोने से रोजी रोटी की तलाश में, चाहे पंजाब बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, भारत के कोने कोने से इस औद्योगिक अंचल में जो लोग आए हैं, उनका संघर्ष जीव एकदम मौत से रोज जूझने वाला संघर्ष है। कितनी पीड़ा और खतरा मोल लेकर वे जमीन के नीचे उतरते हैं, कितने तापमान में और चुनौतियों का सामना करते हुए वे कार्य करते हैं। इस प्लॉट पर गयासुद्दीन का भी एक उपन्यास आया था द फायर एरिया, गयासुद्दीन सिद्दीकी। लेकिन उससे भी ज्यादा वह उर्दू की बात है, हिंदी में इस तरह का की रचना अभी तक नहीं आई है। मैंने कहा था कि अछूते विषय अछूते प्रसंग इनके कथा केंद्र में रहे हैं, अपने को इन्होंने दोहराया नहीं कहीं कभी किसी रचना में, और यही इनकी रचना की सबसे बड़ी विशेषता है। आप इसके बाद जो है उनके उपन्यास जो आए हैं उन उपन्यासों को भी आप देखेंगे, जैसे सूत्रधार जिस पर उनको पुरस्कार भी मिला मिखाई ठाकुर के जीवन पर उन्होंने लिखा, वह दूसरे आस्वाद की कहानी है। आकाश चंपा, उनके एक मित्र थे महेंद्र सिंह जो गिरिडीह अंचल में निर्विरोध MLA रहे सब दिन तक और मार्क्सवादी विचारधारा के थे और उनकी हत्या कर दी गई। उस हत्या से वे इतने निराश हुए थे, उस अपने मित्र को नायक के रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने उस उपन्यास आकाश चंपा की रचना की। और उन्होंने दिखाया कि अंततः जहां स्वतंत्रता सेनानियों को 7 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी, वहीं पर उस कहानी उपन्यास के नायक मोती मास्टर मोती प्रसाद को भी लटका दिया गया है। पता नहीं, बहुत लोग असहमत हैं कि निराशाजनक अंत है, लेकिन यह निराशाजनक अंत नहीं उन्होंने जीवन में देखा था। महेंद्र सिंह जैसे जुझारू नेता की हत्या जब करवा दी गई गुंडों के द्वारा, तो इस यथार्थ को उनको दिखाना ही था। तो अलग तरह के आस्वाद की यह रचना है। फिर रह गई दिशाएं इसी पार, जिसके बारे में राजन यादव कहते हैं कि अपने समय से 50 वर्ष पहले लिखी गई रचना है। संजीव के उपन्यास को जो
जो यथार्थ 50 वर्ष बाद आएगा उसको इन्होंने पहले ही अनुभूत कर लिया है और लिख मारा है। आपने जो है प्रत्यंचा उपन्यास भी उनका देखा होगा, सुना होगा, इसमें जातिवाद से मुठभेड़ करते हुए भी दिखाई देते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है जातिवाद की। और उसमें साहू जी महाराज को इन्होंने अपना कथानायक बनाया है। फिर अभी हाल में एक उपन्यास आया है, और अद्यतन नहीं कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि अद्यतन हुआ है जो छप गया है, लेकिन जो अभी प्रकाशनाधीन है, प्रेस में है ना। इस कोरोना काल में कई उपन्यास उनके प्रेस में प्रकाशनाधीन है, तो जी अद्यतन कुछ नहीं जी कहा जा सकता है। कथाकार संजीव का एक जो अभी तक प्रकाशित तो उपन्यास है, मुझे पहचानो, उसमें भी अंधविश्वास के खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ रानी कुंवर की कथा को उन्होंने दर्शाया है। उस पर अगर आप फिर सवाल करेंगे तो मैं आगे बात करूंगा। तो संजीव के जितने भी उपन्यास है, जंगल जहां शुरू होता है अलग आस्वाद की कहानी है, उसके जो कथानायक है इनका परिचित मित्रवत व्यवहार रहा है, शिष्यवत व्यवहार करना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि एक कथाकार जब किसी को मॉडल के रूप में चुनता है तो संपूर्ण कथा का आधार वही रह जाता है, ऐसा होता नहीं, क्योंकि कहानी जो है सार्वजनिक होती है, और एक की कथा को पढ़ते हुए जब आपको महसूस हो या मेरी भी कथा है या समाज की कथा है, व्यक्ति की कथा नहीं है, तो वही कथा जो है साहित्य क्या कहते हैं प्रासंगिक और सर्व स्वीकृत होता है। तो उसमें जो सब पुलिस बिल्कुल बिल्कुल इंस्पेक्टर है, जी हाँ पुलिस इंस्पेक्टर है कुमार साहब, तो कुमार साहब के चरित्र में कई चरित्रों को इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, कि उसमें ध्रुव गुप्त का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने सहयोग किया, कुछ प्लॉट विषय वस्तु को उन्होंने बताया। रामचंद्र जी ओझा इनके शिष्य थे, जो बेतिया में उन दिनों पोस्टेड थे, सीआईएसएफ के कमांडेंट थे, उनसे कुछ उनको सहयोग मिला। और थारू जनजाति का जीवन संघर्ष और किस तरह से जो जंगल है वह वास्तव में, उसको जंगल किसने बनाया, और जो शहर है वह वास्तविक जंगल है या जंगल है वह वास्तविक शहर है, यह प्रश्न अपने आप में पहेली बन करके उलझ जाता है कि जंगल कहाँ से शुरू होता है वह। तो खैर, मैंने कई उपन्यासों की एक एक पंक्ति में केवल चर्चा कर दी, इस पर आप विशेष कुछ बात करना चाहेंगे तो मैं फिर बात करूंगा। हाँ जी हाँ सर, चूंकि समय थोड़ा कम बच रहा है इसलिए जी हाँ जैसा कि आपने प्रत्यंचा और मुझे पहचानों की चर्चा कर दी है, और जी हाँ जी प्रत्यंचा को लेकर जब संजीव जी से हमारी बातचीत हो रही थी, हमारे ही नहीं समग्र रूप में जब हम लोग मिल बैठे थे, तो उन्होंने कहा था कि इनकी प्रेरणा, प्रत्यंचा को लिखने की प्रेरणा उन्हें महाराष्ट्र में दीवार पर लिखी मिली थी। तो और दूसरी दूसरी ओर कि साहू जी महाराज जैसे इतिहास के पात्र को उन्होंने सामाजिक सरोकार से जोड़कर, और जातिवाद का जहर कहीं न कहीं हमारे समाज में आज भी विद्यमान है, तो ऐसे विषय को उन्होंने चुना। और मुझे पहचानों में उन्होंने कहीं न कहीं सती प्रथा के माध्यम से वर्तमान में नारी उत्पीड़न की बातों को जोड़ा है, तो ये कहीं न कहीं संजीव के यहाँ मौजूद है। और शिद्दत से पाठक वर्ग महसूस करते हैं कि संजीव के उपन्यासों में तमाम बातें आती हैं जो कहीं न कहीं समाज का प्रतिबिंब है। अब सर, आगे मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न करने जा रहा हूं, चूंकि आपने स्वीकार किया शुरू में, जैसा हम सभी जानते हैं, न केवल शिल्पांचल, पूरे भारत में और भारत की सीमाओं से बाहर भी कहीं न कहीं उनके पाठक वर्ग रहे हैं। तो चूंकि आप एक कहानीकार हैं, तो कहानीकार की अपनी दृष्टि होती है रचनाओं को लेकर, समाज को लेकर, सामाजिक बिंबों को लेकर। तो आप अब तक संजीव के किन रचनाओं से, किन कहानियों से, उपन्यासों से असहमत हैं, या आपको ऐसा लगता है कि वो कहीं न कहीं चूक जा रहे हैं? कहीं अगर ऐसा कुछ बनता है, हालांकि ये धृष्टता होगी हम जैसे लोगों की जो उनके नहीं शिष्य नहीं हैं, हाँ, लेकिन फिर भी एक बेबाकीपन अगर
आपके तरफ से बन जाए आ जाए तो पाठकों का भला होगा। देखिए भाई, जब आप आलोचना करते हैं तो मैं तो हिंदी का छात्र रहा हूँ, हम लोगों ने पढ़ा है, और जो जो हिंदी के छात्र रहे हुए जानते हैं कि लुच धातु से आलोचना शब्द बना है, लुच से बना है जी लोचन, लोचन का अर्थ है देखना, और जब हम देखते हैं तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को देखते हैं, भली भांति देखते हैं, जी यही सम्यक आलोचना का आधार है। तो पहली बात तो यह कि चांद है तो उसमें भी दाग है, गुलाब है तो उसमें भी कांटे हैं, और दुनिया की ऐसी कोई रचना नहीं, लोग कहते हैं कि मिल्टन जिंदा होते तो द पैराडाइज लॉस्ट को फिर से लिखते, और जी यह प्रवृत्ति तो कथाकार संजीव में ही स्वयं आपने देखी होगी कि उन्होंने पहला उपन्यास जो लिखा था धर्मयुग में, उन दिनों धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था, किशनगढ़ के अहिरी नाम पे, संतोष जी नहीं हुआ इनको तो पुनर्रचना उसकी कर डाली अहिर नाम पे, जी उस उपन्यास को स्वयं उन्होंने लिख डाला। तो अपने कमजोरियों को वे स्वयं समझते हैं, महसूसते हैं, और जब शिद्दत से महसूसने लगते हैं है ना, तो स्वयं अपनी रचना को बदल डालते हैं, और तब तक काटते पीटते रहते हैं उनकी रचना प्रक्रिया से। आप को मैं रूबरू कर रहा हूं कि तब तक काटते पीटते रहते हैं जब तक कि रचना छप नहीं जाती, और छप जाने के बाद भी काटते। मेरे मेरे संकलन जी में जो ज्वार कहानी आई है उसका अंतिम एक पैराग्राफ इन्होंने कहा कि नहीं जी, इसकी जरूरत नहीं, तो वे स्वयं अपने आलोचक है, अपनी सीमाओं को वे स्वयं समझते हैं और उसे तोड़ते रहते हैं। और रही बात आपने मेरी तरफ से कही, तो मुझे जो संजीव की सीमा समझ में आई है, पहले आलोचकों के मंतव्य से आपको रूबरू कराऊं कि प्रभाकर श्रोत्रिय उनके बारे में कहते, बहुत बड़े आलोचक थे, कवि थे, जी हाँ यहाँ संपादन भी किया उन्होंने वागर्थ पत्रिका का कलकत्ता में, तो एक पत्रिका शिखर नाम से एक पत्रिका आती थी, उसमें उनकी समीक्षा मैंने पढ़ी थी संजीव की रचनाओं पर। तो एक पंक्ति जो मुझे याद रह गई, प्रभाकर श्रोत्रिय बहुत ही मधुर भाषी व्यक्ति, तो कहते जी हैं कि संजीव अपने पाठकों से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें तब तक संतोष नहीं होता है जब तक कि अपने पाठकों को उंगली पकड़कर वे ठीहे पर नहीं पहुंचाते। तो यह संजीव की सामर्थ्य भी है और यह संजीव की सीमा भी है, वे पाठकों को ठीहे पर पहुंचा करके ही दम लेते हैं, है ना? तो आप उनकी सामर्थ्य कहे या उनकी सीमा कहे, देखिए बड़े आलोचक की भाषा जी है हाँ जो भी हो। और मेरी मोटी बुद्धि में जो बातें आई है कि संजीव के बारे में मैंने कहा कि स्वयं उनकी स्वीकारोक्ति है कि काका अगर कुल्टी नहीं लाए होते तो ये गांव में मैं हरवाही चरवाही कर रहा हूं, तो अपने वर्ग की बात जब इनके यहाँ आती है इनकी रचनाओं में, तो बहुत ही संवेदनात्मक ढंग से उसके रेसे रेसे को ये उघाड़ कर रख देते हैं। लेकिन जब जमींदारी प्रथा और उसके जीवन शैली की बात आती है तो उस जनजीवन को इन्होंने बहुत करीब से देखा नहीं है, भोगा नहीं है, अमीरी का रिश्ता ही नहीं रहा है, वास्ता ही नहीं रहा है इनके जीवन में, चलिए इन्होंने सर जो कभी जीवन पूछ जिया है। हाँ लेंगे, संजीव सर से कभी पूछ लेंगे कि आपने वाकई जिन चीजों को नहीं भोगा है आप उन चीजों को क्या लिखने में असहज महसूस करते हैं या उन पर उनकी मैंने प्रतिक्रिया क्या है सर मैंने मैंने स्वयं का। उनसे पूछा, अच्छा, हाँ हाँ बोला जाओ बोला सर बोला एक जाओ बोला, कुछ पूछ। आखिरी सवाल, समय इजाजत कम दे रही है, ये आखिरी सवाल है। आपकी दृष्टि में आपको क्या ऐसा लगता है कि संजीव का बेस्ट आ चुका है या अभी आना बाकी है? देखिए भाई साहब, अंतिम सवाल है आपका और बहुत ही मौजू सवाल है। दो सवाल, मैं हमारे एक शहर के शायर थे, वो उनका एक शेर है, क्योंकि पहला सवाल आपने कहा था कि संजीव के आत्मीय है उनके बारे में कुछ बोल, तो जी हाँ आत्मीयतावश मैंने उनके जीवन को जितने करीब से देखा है कि वो अपने उस रौनक साहब के गुरु उस्ताद का वो शेर है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ क्योंकि अंतिम सवाल,
एक मिनट समय दे, कि कहानी किसी की भी हो कहीं नहीं जाती पूरी। सुनिएगा सोफी, आप कवि हैं, कि जी कहानी बिल्कुल किसी की भी हो कहीं नहीं जाती पूरी, कुछ बातें हैं बताने की, कुछ बातें हैं छुपाने की। तो अपने जीवन को जिस तरह से उन्होंने जिया है उसके बारे में क्या कहूं जो अब तक नहीं कही, निराला ने कहा था, है ना। बहुत ही दर्द झेला है उन्होंने। और दी बेस्ट की जब बात कहे तो अज्ञेय की कविता की पंक्ति तो नहीं मैं आपको सुना रहा हूं, उसका भाव सुना रहा हूं कि मैं जो कहना चाहता था और जिस तरह से कहना चाहता था अगर मैं उसे कह ही देता तो फिर दूसरी रचना में क्यों करता। तो वह कुछ जी जो कहना है संजीव को, हर बार उनकी पकड़ से वह यथार्थ छूट छूट जा रहा है। उस यथार्थ को पकड़ने के लिए दिन रात में जद्दोजहद कर रहे हैं, और जब तक उसको पकड़ करके सामने नहीं ले आते हैं तब तक संजीव चूकने वाले नहीं है, लिखते रहने वाले हैं लगातार। और कोई भी रचना अभी तक अद्यतन उसकी नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि रचना दर रचना करते जा रहे हैं संजीव, जूझते जा रहे हैं अपने शारीरिक समस्याओं से, अपनी गरीबी से, अभाव से, और देश की जो समस्याएं हैं उस ओर मैं आपका ध्यान अभी भटकाना नहीं चाहूंगा, अभी हम लोग साहित्य पर ही बात कर रहे हैं। इन सारे दर्द को अपने आप में पिरोते हुए उससे लहूलुहान हो रहे हैं संजीव, अनवरत लेखन कर रहे हैं, और दी बेस्ट तो आना बाकी है, तभी तो संजीव लिख के जा रहे हैं। अगर मैं आपको जी हाँ सर, संतुष्ट कर सका जी हाँ सर, कहीं तो। न कहीं हम ऐसा चाहेंगे सर कि संजीव शतायु हों और साहित्य, विशेषकर हिंदी साहित्य की समृद्धि में वो निरंतर प्रयास करते रहें और साहित्य समृद्ध होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुमूल्य समय दिया, और एक बार फिर अरे मैं अपने दर्शकों श्रोताओं जिस का मंच ने बहुत हम बहुत लोगों को आभार। मौका दिया उसके प्रति आभार, जन सरोकार मंच को जी बहुत बहुत जी हाँ, धन्यवाद जन सरोकार मंच कि को हमारे प्रिय बहुत बहुत कथाकार पर हम धन्यवाद। लोग आपस में कुछ बात कर सके, दूर से ही सही जी हाँ लेकिन बात तो हम लोगों ने अपनी शेयर की। जी हाँ, आपको भी समस्त धन्यवाद, श्रोताओं को एक बार पुनः धन्यवाद सर, आपको सबको धन्यवाद, बहुत बहुत।